हेलो शॉपर्स, वेलकम टू टेक शॉपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको आने वाले टाइम में कौन सी बेस्ट सेल्स जनवरी 2022 में देखने को मिलेगी, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। तो आपको क्या बताएंगे फ्लिपकार्ट और अमेजन की अपकमिंग सेल जो कि जनवरी 2023 में देखने को मिलेंगी। साथ में बात करेंगे Q&A सेशन जो कि 3/1/2023 का है। जो भी आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स थे, उन सबको जो है सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में कवर किया गया है। आप सबके जो भी आंसर्स थे उनको डिटेल में बताया गया है कि क्या करना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में इसको डिटेल में लिखे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी कंसीडर करेंगे। आगे चलने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। साथ ही में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेक शॉपर ऑफिशियल के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बहुत सारी सेल्स अभी जाके गई हैं, बट जो बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी सेल आने वाली है 26 जनवरी की सेल, यानी अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे आएगी। अमेजोन पे देखो ग्रेट इंडियन रिपब्लिक डे सेल के नाम से आने वाली है, और इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डेज भी हो सकती है या फिर डेडिकेटेड रिपब्लिक डे सेल आएगी, बिग सेविंग डेज अलग से आएगी। तो फ्लिपकार्ट हो सकता है कि आपको दो सेल्स यहाँ पे अनाउंस कर दे या फिर एक ही सेल आपको चले। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको परचेज करना है वो आपको बहुत ही ध्यान से और सोच समझ के करना है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देखने को मिल सके। देखो ये सेल काफ़ी बड़ी सेल होने वाली है, जिसमें आपको दो दो तीन तीन कार्ड ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे और आपको प्राइस कट्स अलग से देखने को मिलेंगे। और अगर फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे डेडिकेटेडली दो सेल्स आ जाती है, लाइक बिग सेविंग डेज अलग से और रिपब्लिक डे सेल अलग से, तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास दो मौके होंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स अवेल करने के लिए। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ मतलब आपने ख़रीदनी है, लाइक लैपटॉप ख़रीदना है, कोई टीवी ख़रीदना है या फिर फ़ोन ख़रीदना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका होगा रिपब्लिक डे सेल के मौके पर। इसके अलावा देखो और भी छोटी मोटी ब्रांड रिलेटेड सेल्स आती रहती हैं, और भी बहुत सारी सेल्स जो है यहाँ पे अनाउंस होंगी, बट जो ये दोनों सेल्स है मतलब अमेजोन पे भी फ्लिपकार्ट पे भी, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। इसके अलावा आपको मोबाइल बनाजो सेल देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट पे, तो ये आपको रिपब्लिक डे सेल के बाद देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़े बहुत ऑफर्स देखने को मिलेंगे स्मार्टफोन्स पे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे किसी और कैटेगरी पे आपको डिस्काउंट नहीं देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अमेजोन भी देखो सेम ही कुछ करता है, और फिलहाल के लिए जो भी 3-4 सेल्स मैंने आपको बताई हैं, इनमें ही अगर आप शॉपिंग करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी और मतलब सेल्स में जाते हो। इसके अलावा देखो फैब फोन फेस्ट ये अमेजोन पे आएगा। देखिए अमेजोन की इस सेल में आपको जो है ठीक ठाक डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। स्मार्टफोन पे यूजली डिटेल मतलब डील्स देखने को मिलेंगी, बाकी कार्ड ऑफर वगैरह देखने को मिलेगा। मेन मुद्दा है अगर आपने कोई भी तरीके का सामान लेना है तो रिपब्लिक डे सेल एक बढ़िया सेल रहेगी, जो कि जनवरी में आपको जो है बढ़िया ऑफर्स यहाँ पे ऑफर करेगी। इसके अलावा इस सेल में क्या है कि आप अपना कार्ड ऑफर, नो कॉस्ट ईएमआई एक्सचेंज ऑफर लगा के और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट और डिस्काउंट्स उठा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने Q&A सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Q&A सेशन, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, लैपटॉप कब लें सर, थैंक्स इन एडवांस। तो देखो लैपटॉप्स आप बहुत ही जल्दी ले सकते हो रिपब्लिक डे सेल में। इसके अलावा अगर बिग सेविंग डेज आती है वहाँ पे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। मेक श्योर कि आप जो है कार्ड ऑफर ज़रूर से लगाएं, और अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है उसको एक्सचेंज भी कर डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपको और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बेस्ट अपकमिंग स्पोर्ट शूज़ ऑफर। तो देखो स्पोर्ट शूज़ के लिए भी आपको रिपब्लिक डे सेल का वेट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बढ़िया ऑफर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, SBI कार्ड पे ऑफर कब मिलेगा। तो देखो SBI कार्ड पे अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है किस कार्ड पे ऑफर मिलेगा, जैसे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको ज़रूर से अपने चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नाइस इन्फो बेस्ट आईफोन सेल। आईफोन्स के लिए भी देखो अभी फिलहाल के लिए तो रिपब्लिक डे सेल को ही टारगेट किया जा रहा है, बाकी अगर इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नथिंग फोन 1 कैसा रहेगा। तो देखो मेरे हिसाब से एवरेज रहेगा, अगर आप चाहते हो आपके फुल पैसा वसूल हो तो आप जो है और कुछ फ़ोन्स देख सकते हो, 30,000 की रेंज में आपको अच्छे फ़ोन्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वीडियो टीवी स्ट्रीमिंग में कुछ डिस्काउंट होगा बिग सेविंग सेल में। तो डेफिनेटली आपको वीडियो टीवी स्ट्रीमिंग वाले सारे ही जो भी मतलब चीज़ें आती हैं, लाइक
फायर स्टिक हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो आप पे डिस्काउंट आपको देखने को आराम से मिलेगा। कोटक बैंक के डेबिट कार्ड पे डिस्काउंट अगर आता है तो आपको जो है 811 अकाउंट नहीं होना चाहिए, जो जीरो बैलेंस वाला है उस पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। इसके अलावा जितने भी ऐसे अकाउंट है जिनमें आप बैलेंस मेंटेन करते हो, लाइक 5,000, 10,000 या 2,500 जैसे भी, तो वहाँ पे आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या रेडमी नोट 12 प्रो और सैमसंग का M5320 आएगा? तो देखो, कहा नहीं जा सकता कि अंडर 20,000 आएगा, बट आपको ये ज़रूर है कि लगभग अच्छा डिस्काउंट इस पे देखने को मिल सकता है कार्ड ऑफर के साथ, क्योंकि देखो नोट 12 प्रो जो है नया फ़ोन है उस पे आपको प्राइस कट कम देखने को मिलेगा, जबकि सैमसंग का M53 अभी ये कह सकते हो कि इस पे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है आने वाली सेल में। थोड़ा ध्यान रखिए इन दोनों सेल मतलब फ़ोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टीवी डिस्काउंट सेल स्टार्टेड, तो ये भी रिपब्लिक डे सेल है, बिग सेविंग डे सेल है, इनमें आप जो है चेकआउट कीजिए। अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ये सेल्स आने वाली है, तो दोनों पे चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे अच्छा मिले वहाँ पे लपेट लो बस। नेक बैड कौन सी सेल में लेना सही रहेगा? 1500 की है नेक बैंड, तो देखो अभी फ़िलहाल के लिए वेट करना बेटर रहेगा रिपब्लिक डे सेल तक। कुछ दिन वेट करोगे आपको जो है डिस्काउंट भी 10-20% प्राइस कट ही देखने को मिल जाएगा, और अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो आपको कार्ड ऑफर भी लग जाएगा, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, S21 FE कैसा रहेगा? तो देखो बहुत सारी डिमांड है इसकी और बहुत सारे लोग इसको लेना चाहते हैं, बट मैं आपको ये कहूँगा कि रिपब्लिक डे सेल तक वेट कीजिए, वहाँ पे एक बार प्राइस देखिए, अगर आपको 35,000 से नीचे देखने को मिलता है तो एक स्टील डील है, आप उसको डेफिनेटली कंसिडर करें, और अगर आपको उससे ऊपर भी देखने को मिलता है तो आप अपना बजट चेक कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टीवी डिस्काउंट सेल व्हेन स्टार्टेड, तो ये हम आंसर कर चुके हैं, तो टीवीज़ के लिए आपको जो है रिपब्लिक डे सेल का वेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग टीवी, देखो फ़ोन हो गया, नेक बैंड हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं आने वाली सेल्स में। मीवी डुओपोड्स ऑफर, तो इसके लिए भी एयरपोर्ट्स पे आपको 10-20% प्राइस कट देखने को मिलेगा, यानी 1,000 का 800 का देखने को मिल जाएगा, 800 का तो 600 का देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे आपको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं प्राइस कट के टर्म्स में। तो तभी आप सेल स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल ना खरीदें, सेल आने पर ही खरीदें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बजाज मिक्सर ग्राइंडर में ऑफर कब तक आएगा? तो देखो बजाज मिक्सर ग्राइंडर पे आपको 10% तक का प्राइस कट देखने को मिल सकता है आने वाली सेल्स में। इसके अलावा अगर, क्योंकि ये एक तरीके से देखो 2,000 से 3,000 तक चली जाएगी, और अगर आप कोई और एक चीज़ ले लेते हो 5,000 की शॉपिंग या 3,000 की मिनिमम शॉपिंग कर लेते हो, कार्ड ऑफर भी लग जाएगा और डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, Xiaomi 11T Pro के प्राइस ड्रॉप कब होगी? तो देखो इसकी प्राइस ड्रॉप आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है, तो रिपब्लिक डे सेल का वेट कीजिए। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले, थैंक यू सो मच।